अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं टॉप 300 एमसीक्यूज सीरीज़ का पार्ट 8। क्वेश्चन है 176, व्हाट फूड इज़ आल्सो कॉल्ड गारबेंजो। कौन सी फूड जो है वो गारबेंजो कहलाती है? चिक पी। चिक पी को गारबेंजो फूड भी कहते हैं। क्वेश्चन है 177, व्हाट इज़ द क्वालिटी रेटिंग फॉर डीजल फ्यूल सिमिलर टू द ऑक्टेन नंबर फॉर पेट्रोल। तो डीजल फ्यूल की जो क्वालिटी रेटिंग है वो क्या है सिमिलर पेट्रोल ऑक्टेन? तो वो है कैटानी नंबर। डीजल फ्यूल को की रेटिंग को कैटानी नंबर कहते हैं। क्वेश्चन है 178, विच जर्मन सिटी एंड पोर्ट इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स नेकर एंड रिहाने। तो रिवर नेके एंड रिहाने जो है वो जर्मन जर्मन की कौन सी सिटी एंड पोर्ट पर वाक़ है? वो है मैनहेम। मैनहेम इज़ अ सिटी इन साउथ वेस्ट जर्मनी। मैनहेम जो है वो एक सिटी है साउथ वेस्ट जर्मनी में ऑन द रिहाने एंड नेकर रिवर्स, रिहाने और नेकर रिवर्स के पास या साथ। क्वेश्चन है 179, वेयर इन यूरोप आर द ओनली वाइल्ड एप्स टू बी फाउंड। तो वाइल्ड एप्स जो है वो यूरोप में किस जगह पर फाउंड हुई? वो हुई जिब्राल्टर में। क्वेश्चन है 180, द बारबक बारबन कौन इज द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री। ब्रेबर कौन जो है वो नेशनल एंथम है बेल्जियम का। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप का मतलब होता है मैदान जंग। तो ब्रेबर कौन जो है वो नेशनल एंथम है बेल्जियम का। क्वेश्चन 181, इन विच कंट्री इज द रिवर स्पे। तो रिवर स्पे जो है वो किस कंट्री में वाक़ है? वो है स्विट्ज़रलैंड में। द रिवर स्पे इज़ अ रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ये नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में वाक़ इट इज़ द 9th लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूनाइटेड किंगडम। ये 9वां लॉन्गेस्ट रिवर है यूनाइटेड किंगडम का जो कि स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। क्वेश्चन 182 है, विच इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप वॉज फाउंडेड इन 1971। कौन सा इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप जो है वो 1971 में फाउंड हुआ? वो हुआ ग्रीन पीस। ग्रीन पीस इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद ऑफिस इन ओवर 55 कंट्रीज़। ग्रीन पीस जो है वो 55 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी इन अमस्तदरम, जो कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है मस्तदरम में द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के अंदर। ग्रीन पीस वॉज फाउंड इन 1971 बाय इरविंग स्टोव एंड ड्रोथी स्टोव। ये 1971 में इरविन स्टोव और ड्रोथी स्टोव ने दरियाफ्त किया। कैनेडियन एंड यूएस एक्स पार्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, जो कि कैनेडियन एंड यूएस एक्स पार्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। तो 1971 में इन्होंने ग्रीन पीस फाउंड किया। क्वेश्चन है 183, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। मोरक्को का कैपिटल कौन सा है? वो है रबात। 184, हाउ मैनी बॉल्स आर ऑन द टेबल एट द स्टार्ट ऑफ अ गेम ऑफ पूल। गेम ऑफ पूल जब स्टार्ट हुई तो उसमें कितनी बॉल्स उसके टेबल पर थीं? 16 बॉल्स जो थीं वो पूल गेम जो थी उसके टेबल पर 16 बॉल्स होती थीं स्टार्ट में। क्वेश्चन 185, इन विच कंट्री इज़ द वॉल्कनो माउंट एजो। वॉल्कनो माउंट एजो जो है वो किस कंट्री में है? वो जापान में।
माउंट एजो इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द जापान एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। माउंट एजो जो है वो लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जापान का और वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट है। ₹186 है। वाट नेम इज़ गिवन टू इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर ज्वाइंट्स काजिंग पेन स्वेलिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। इन्फ्लेमेशन जो है वन और मोर ज्वाइंट्स के पेन के लिए काज बनता है, जो कि स्वेलिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, तो उसको क्या कहते हैं? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये एक बीमारी है जो कि पेन स्वेलिंग और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट का काज बनती है। क्वेश्चन 187 है, विच मिनरल इज़ द मेन सोर्स ऑफ मरकरी। कौन से मिनरल जो है वो मरकरी का मेन सोर्स है? वो है सिनाबर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर रिफाइनिंग एलिमेंट मरकरी। ये रिफाइनिंग एलिमेंट मरकरी का बेहतरीन सोर्स है। 188 है, वट ए इज़ द इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ रशिया कोड नेम SU। कौन सी नेशनल एयरलाइन है रशिया की जिसका कोड नेम है SU? वो है एरोफ्लोट। क्वेश्चन 189 है, वट वुड बी कैप्ट इन अ क्वेर? वो है एरोज। क्वेश्चन 190 है, वट ओलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स? ओलॉजी जो है वो कंसर्न है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि उफोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 191 है, कोल एंड लॉन्ग टेल्ड आर टाइप्स ऑफ विच बर्ड फैमिली? जो टिट के हैं, तो ये बर्ड फैमिली का नाम है टिट। क्वेश्चन 192 है, इन द गेम ऑफ डार्ट्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आउटर बॉल? गेम ऑफ डार्ट्स में आउटर बॉल की वैल्यू क्या कितनी होती है? वो 25 होती है। क्वेश्चन 193 है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द कोलिया? कौन सा पार्ट जो ह्यूमन बॉडी का कोलिया कहलाता है? वो एयर। 194 है, व्हाट इज़ द मॉडर्न नेम ऑफ द रॉकी फोर्ट्रेस विच इज़ द मोर्स नेम्ड जिबल तारिक? द रॉक ऑफ तारिक। तो कौन से रॉकी फोर्ट्रेस को द रॉक ऑफ तारिक कहते हैं? वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर इज़ द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी एंड हेडलैंड। ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी भी है और हेडलैंड भी, ऑन स्पेनिश साउथ कोस्ट, स्पेनिश के साउथ कोस्ट पर वाकई, डोमिनेटेड बाय द रॉक ऑफ जिब्राल्टर। ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर से डोमिनेटेड है। अ 426 मीटर हाई लाइमस्टोन रिज, ये 426 माइल्स हाई लाइमस्टोन रिज पर मुश्तमिल है जिब्राल्टर। 195 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जर्मन टेररिस्ट एंड्रियास बदीर्स फीमेल पार्टनर? जर्मन टेररिस्ट एंड्रियास बदीर्स फीमेल पार्टनर कौन थी? वो थी अलराइक मैरी मैनोव, जो पैदा हुई अक्टूबर 7, 1934 में ओल्डनबर्ग जर्मनी में, और मई 9, 1976 स्टेमन प्रिजन स्टटगार्ट जर्मनी में इसकी डेथ हुई। शी को फाउंडेड द रेड आर्मी फैक्शन इन 1970। तो इसने रेड आर्मी फैक्शन 1970 में दरियाफ्त किया। क्वेश्चन 196 है, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द अर्बन गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन दे हेडेड? अर्बन गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन किसने हेड की थी? द रेड आर्मी फैक्शन ने। क्वेश्चन 197 है, विच जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड सेल्वर्सन, अ कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेफलीज बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक? तो ये पॉल एर्लिक नामी जो साइंटिस्ट था, ये एंटीबायोटिक जो है उसने दरियाफ्त की थी। तो पॉल एर्लिक जो था वो मार्च 14, 1854 में स्ट्रेजलिन पोलैंड में पैदा हुआ,
और अगस्त 20, 1915 बैड हम्बर्ग जर्मनी में उसकी डेथ हुई। ये जर्मन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट था। क्वेश्चन 198 है, विच एंशियंट रोमन स्टेरिस्ट रोट द 16 स्ट्रेट्स सेटर्स। वो था जोविन्ना, जिसने 16 स्टेयर्स लिखी थी। क्वेश्चन 199 है, हु बिकेम द क्वीन ऑफ नीदरलैंड्स इन 1980। 1980 में क्वीन ऑफ नीदरलैंड कौन थी? वो थी बेट्रिक्स। बेट्रिक्स डच शाही घर के मेंबर है, जिसने 1980 से हॉलैंड की मलका की हैसियत से 2013 में अपने ओहदे से अलग होने तक हुकूमत की। हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश किंग टू अपीयर इन बैटल। तो लास्ट ब्रिटिश किंग कौन था जिसने जंग में हिस्सा लिया? वो था जॉर्ज टू। बॉर्न इन नवंबर 9, 1683। 9 नवंबर 1687 में पैदा हुआ हेरन हाउस में, हानोवर जर्मनी में। किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, डुके ऑफ ब्रॉन्विक लम्बर्ग एंड अ प्रिंस इलेक्टर ऑफ द होली रोमन एम्पायर फ्रॉम 11 जून 1727 अंटिल हिज डेथ इन 1760। तो ये रोमन एम्पायर का जो था प्रिंस भी था, 1727 से 1760 तक उसकी मौत तक। ये था जॉर्ज वुड, जिसने लास्ट बैटल में हिस्सा लिया। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।